हेलो, मैं अतुल वर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यूनिक साइकोलॉजिकल सर्विसेज, और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व पनिशमेंट एंड रीइन्फोर्समेंट क्वेश्चंस जो आपके एमफिल और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव पनिशमेंट और रीइन्फोर्समेंट होते क्या हैं, जिसको मैं आपको इस टेबल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। सो पहला कॉलम है पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट का, दूसरा है पॉजिटिव पनिशमेंट का, तीसरा है नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट का, एंड फोर्थ वन इज फॉर नेगेटिव पनिशमेंट। जो रीइन्फोर्समेंट है वो हमेशा बिहेवियर को आपके इंक्रीज करता है, एंड पनिशमेंट आपके बिहेवियर को डिक्रीज करता है। इंक्रीज और डिक्रीज को इंडिकेट कर रहे हैं। देखेंगे तो जो पॉजिटिव है, आइदर इट इज रीइन्फोर्समेंट या पनिशमेंट, पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को बढ़ाता है और पनिशमेंट हमेशा बिहेवियर को घटाता है या डिक्रीज करता है। सो रीइन्फोर्स के कॉलम में आप एरो देख रहे हैं, दोनों कॉलम में पॉजिटिव और नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में ऊपर की तरफ एरो है जो इंडिकेट करता है कि बिहेवियर को इंक्रीज करता है रीइन्फोर्समेंट, एंड पनिशमेंट के कॉलम में आप देखेंगे एरोस डाउनवर्ड है, इसका मतलब है कि वो बिहेवियर को डिक्रीज करता है। देन देयर इज ए पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव जो रो है उसमें पॉजिटिव साइन मैंने लगाया है, उसका मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ ऐड कर देंगे। ये पॉजिटिव साइन या ऐड का साइन है जो ये इंडिकेट करता है कि इसमें हम कुछ ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में जानेंगे। एंड देन नेगेटिव, अगर आप रो को देखते हैं तो उसमें आपको नेगेटिव साइंस मिलेंगे। नेगेटिव साइंस इंडिकेट कर रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को हटा रहे हैं या घटा रहे हैं, अगर माइनस की अगर हम बात करें। देन क्या ऐड करते हैं पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट में, हमेशा प्लेजरेबल इवेंट या स्टिमुलस हम ऐड करते हैं। एंड पॉजिटिव पनिशमेंट में हम नॉक्सियस इवेंट ऐड करते हैं। देन नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट में हम माइनस करते हैं यानी घटाते हैं नॉक्सियस इवेंट को, हटा देते हैं। एंड नेगेटिव पनिशमेंट में हम प्लेजरेबल चीज़ों को हटा देते हैं। सो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा याद रखें बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, स्टिमुलस और इवेंट ऐड की जा रही है या रिमूव की जा रही है, जो प्लस और माइनस साइन से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, और जो चीज़ रिमूव या ऐड की जा रही है वो प्लेजरेबल है या फिर नॉक्सियस और एवर्सिव है। सो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे देन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी और हम करेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये समझेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू, सो इन ए स्टडी सॉक इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पिजन थ्रू ए वायर ग्रेट ऑन द बॉटम ऑफ द केज। टू द रिसर्चर्स सरप्राइज द पिजन लर्न्स टू रोल ऑन इट्स बैक व्हेन सॉक्ड सो दैट इट्स फर इंसुलेट इट फ्रॉम द सॉक। द पिजन्स रिस्पॉन्स डिमॉन्स्ट्रेट्स पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट, नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और नेगेटिव पनिशमेंट। डे में हम एक पिजन को एक पिंजरे में रख रहे हैं जहां उसको फर्श पर करंट लगता है और उस करंट से या शॉक से बचने के लिए वो अपने आप को अपने पंखों में लपेट लेता है और पीठ के बल लेट जाता है। उससे बचने के लिए पिजन ने लर्न कर लिया है कि जब भी शॉक आएगा वो अपने आप को पंखों के बीच लपेट कर और अपनी पीठ के बल लेट जाएगा। तो क्या हो रहा है कि वो अपने आप को बचा रहा है इलेक्ट्रिक शॉक से। हम नॉक्सियस इवेंट को रिमूव कर रहे हैं और बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। सो आंसर इसका होगा नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट।
अगर होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, मैं और भी बहुत सारे इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आगे आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करता रहूँगा। थैंक यू।